कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ और बात सही भी है, क्योंकि सेहत अच्छी नहीं होगी तो आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे और ना आपकी अपनी लाइफ आप अच्छे से जी पाएंगे। स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो हमारी खुशी और समृद्धि का आधार बनता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम खुद को स्वस्थ रखें और इसलिए जरूरी है अच्छी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना और इस पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं तनप्रीत विज और स्वागत करती हूं आप सभी का नवभारत टाइम्स के खास शो स्वास्थ्य चर्चा पर। एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा में आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है हाइपरटेंशन। इंडिया में लगभग 33% अर्बन और 25% ग्रामीण हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं। पिछले 30 सालों के दौरान हाइपरटेंशन के मामलों में करीब 97% का इजाफा भी हुआ है, लेकिन समस्या ये है कि अब भी ज्यादातर लोग हाइपरटेंशन या हाई बीपी जैसे कंडीशन को सीरियसली नहीं लेते। ऐसा इसलिए क्योंकि या तो इनके पास पूरी जानकारी नहीं होती या फिर जानकारी गलत होती है। हाइपरटेंशन कितना बड़ा इशू हो सकता है इस पर बात करना बेहद जरूरी है। तो क्यों हो जाता है हाइपरटेंशन, क्यों हो जाती है ये समस्या, क्या होते हैं इसके सिम्टम्स, कैसे हाइपरटेंशन दूसरी बड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है और कैसे इससे बचा जा सकता है, इस हाइपरटेंशन डे के मौके पर इन सभी सवालों पर हम करेंगे चर्चा। और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान, डॉक्टर अजय कौल और डॉक्टर मनीष अग्रवाल। मैं आप दोनों डॉक्टर्स का हमारे इस खास शो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर कौल को 38 सालों का अनुभव है और इनका नाम दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञों में शामिल है। डॉक्टर कौल ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से MBBS, MS जनरल सर्जरी और MCH कार्डियो थोरेसिक एंड वास्कुलर सर्जरी कंप्लीट किया है। डॉक्टर अजय कौल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं डॉक्टर मनीष अग्रवाल PSRI न्यू दिल्ली में सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के रूप में कार्यरत हैं। आपको 20 सालों का अनुभव है, आपने हंगरी यूरोप में स्ट्रक्चरल हार्ट फेलोशिप प्राप्त की है। डॉक्टर मनीष अग्रवाल, मैं आपका भी हमारे इस खास शो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बिना देरी के हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे और सबसे पहला सवाल डॉक्टर कौल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हाइपरटेंशन या हाई बीपी एक दूसरे का सिनोनिम है, क्या होता है हाइपरटेंशन, क्या कारण होते हैं, कैसे इन कारणों को हम पहचाने, आसान से शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहला हमें ये देखना है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ये हम रेगुलर बीपी रिकॉर्डिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर किसी को, जैसे इवन बच्चों को, छोटे बच्चे जो कि से 13-15 ईयर्स के हैं, एक दो रिकॉर्डिंग ज़रूर होनी चाहिए इन देयर when they are growing, when they are going to school, including जो adults हैं, other people, they should keep their BP, they should know what their BP is. अब अगर इसमें दो BP होते हैं, जो एक 120 जो ऊपर वाला BP है उसको हम systolic blood pressure बोलते हैं, जो नीचे वाला होता है वो diastolic blood pressure होता है। अब ये 120 के ऊपर अगर जाता है, जैसे 130 गया, तो वो hypertension category में आता है। ये बहुत serious problem नहीं है। 130 अगर BP है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अगर डायस्टोलिक 80 है। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, मान लीजिए बीपी 140/90 हो जाता है, ये इसको हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्लड प्रेशर, मैं तो एक चीज़ बोलूँगा, इसमें दो फैक्टर्स होते हैं। एक जेनेटिक होता है। जेनेटिक में ये है कि अगर आपके माता पिता को हाइपरटेंशन है तो आपको केयरफुल रहना चाहिए, और यही वो ग्रुप है जिसमें मैं बोलता हूँ कि बच्चों को भी, इन पेरेंट्स जिनको हाइपरटेंशन है, उनके जो बच्चे हैं उनको ज़रूर बीपी चेक करना चाहिए राइट फ्रॉम ए यंग एज। अब एक चीज़ है जेनेटिक, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकें, लेकिन एक बीपी का एक सबसे अच्छी चीज़ यह है कि वी हैव अ वेरी हाई इंसिडेंस। इंडिया में बहुत बीपी का बहुत हाई इंसिडेंस है, वर्ल्ड में काफ़ी हाई स्टेज पर हम हैं जहाँ बीपी बहुत लोगों को है, और मोस्ट ऑफ द कॉजेज आर प्रिवेंटेबल। दिस इज़ अ मेजर थिंग। तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि ठीक है, किसी को ब्लड प्रेशर है, मगर बिना दवाइयों के छोटी मोटी एक्सरसाइजेस, छोटी मोटी प्रिवेंशन, कुछ ऐसी चीज़ें अगर वो अपने लाइफस्टाइल में अपनाते हैं, बहुत सारा पॉपुलेशन ऐसा है जो बीपी कंट्रोल में कर सकता है। जो मेरे को लगता है इस टॉपिक पे डिस्कशन का मेन फोकस होना चाहिए कि हम कैसे अपना
लाइफस्टाइल चेंज करें और बीपी जैसी डेंजरस बीमारी से बच सकें। बिल्कुल डॉक्टर मनीष, डॉक्टर कॉल ने लाइफस्टाइल, यंग एज और हाइपरटेंशन, ये तीन ऐसे शब्द यूज़ किए अपने पूरी बात को बताने में जो बहुत अहम हैं। आप कैसे हाइपरटेंशन को बताएंगे, कैसे कारणों को पहचाने, सिम्टम्स क्या होते हैं? सो ब्लड प्रेशर, जैसे डॉक्टर कॉल ने बताया कि एनी ब्लड प्रेशर विच इज़ एक्सीडिंग 140 एंड बाय 90 शुड बी ट्रीटेड। तो हमारे बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं, जैसे बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं, JNC 7, JNC 8, तो उसमें भी फ़र्क था। बट इन जनरल हम लोग लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट की, लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस की रिकमेंडेशन देते हैं जिनका ब्लड प्रेशर 130 एक्सीड करता है, बिटवीन 130 to 139, एंड जिसका डायस्टोलिक प्रेशर 80 to 89 है। तो 130 to 139 एंड नीचे वाला 80 to 89 में हम लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस रिकमेंड करते हैं। अगर आपका ASCVD रिस्क लेस देन 10% हो, अगर आपका, व्हाट इज़ ASCVD रिस्क, एक एल्गोरिदम होता है, एक चार्ट होता है जिसमें हम हर पेशेंट का रिस्क, 10-year रिस्क देखते हैं फॉर कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। अगर उसमें कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस का जो उसका एज, उसका कोलेस्ट्रॉल, उसका LDL, वो सब डाटा हम फीड करते हैं, वो जब डाटा फीड करते हैं और अगर उसकी परसेंटेज लेस देन 10% हो फॉर ए 10-year पीरियड, तो दैट पेशेंट कम्स अंडर लो रिस्क। तो 130 to 139 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक 80 to 89 को हम सिर्फ लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस रिकमेंड करते हैं। बट अगर ब्लड प्रेशर 140/90 है तो फिर हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, और हम स्टार्ट करते हैं विद द थायजाइड ग्रुप ऑफ डायुरेटिक्स, जो कि सबसे सिंपल एंड सबसे इफेक्टिव सोर्स ऑफ मेडिकेशन होता है। डॉक्टर कॉल, जैसे हाइपरटेंशन में बहुत सारे, कई बार जब बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और हमें मेडिकेशंस लेने पड़ जाते हैं, लाइफस्टाइल की भी हम बात कर रहे हैं, कैसे ऐसे फैक्टर्स होते हैं लाइफस्टाइल में जो हमें बदलने चाहिए? आपने भी इसका जिक्र किया, डॉक्टर मनीष ने भी जिक्र किया, क्या बदलना चाहिए उसमें? डाइट चेंज होनी चाहिए, आपका रूटीन कैसा होना चाहिए? क्योंकि अब जो यंगस्टर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन की केसेस आ रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, मैं स्ट्रेस इस पर करूँगा कि मैं इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ, रादर तीन कैटेगरीज में। एक, टोटली अनअवॉइडेबल। अगर कोई पेशेंट है, वो क्या चीज़ अवॉइड नहीं कर सकता? पहले वो अपने माँ बाप को अवॉइड नहीं कर सकता। जेनेटिक है, उसके पेरेंट्स को हाइपरटेंशन है, उसको होगा ही होगा। दूसरा, ओल्ड एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हाइपरटेंशन का इंसिडेंस बढ़ता जाता है। दूसरा है सेक्स, मेल फीमेल में वेरिएशन हो सकता है। तो ये तीन चीज़ें आप अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है पार्शली अवॉइडेबल चीज़ें जो कि आप कर सकते हैं। पहला है लाइफ का स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्यों होता है? बिकॉज आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें आपको इतना स्ट्रेस है। अब मेरे को मालूम नहीं, लेकिन अपने आप बॉस को तो आप बदल नहीं सकते हैं, जो जैसा है वो वैसे रहेगा। तो आपको ये देखना है कि हाउ टू अवॉइड दिस कन्फ्रंटेशन विद देम। दूसरा है, आप जिस सिटी में रहते हैं उसमें, आप जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, वी कैनॉट अवॉइड पोल्यूशन, वी कैनॉट अवॉइड स्ट्रेस, वी कैनॉट इवन ऑफिस जाने में, आपको अगर मेट्रो में जाना है जिसमें जगह नहीं मिल, दैट इज़ स्ट्रेस। सो हाउ टू अवॉइड दिस स्ट्रेस। अब एक आदमी जो इस स्ट्रेस को आराम से मैनेज कर लेता है, उसका ब्लड प्रेशर लेवल्स कम होगा। तीसरा, अनअवॉइडेबल, जो अवॉइडेबल चीज़, तो ये है पार्शली अवॉइडेबल। तीसरा होता है विच यू कैन डेफिनेटली डू, और उसमें है पहला चीज़ स्मोकिंग, एब्सोल्यूट नो नो, चाहे टबैको किसी। कुछ लोग मेरे को आते हैं, सर मैं स्मोक बिल्कुल नहीं करता हूँ, फिर बाद में मालूम चलता है कि पान में वो तम्बाकू डाल के खाता है, वो तम्बाकू लेता है, एंड इवन अल्कोहल। लोगों को लगता है कि ये, यू नो, मीडिया में और बाकी जगह अल्कोहल इज़ गुड फॉर हार्ट, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक छोटा अमाउंट ठीक है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ दे गेट ड्रंक, इट इज़ डेंजरस। सो अल्कोहल यू कैन अवॉइड, दिस यू कैन, स्मोकिंग यू कैन अवॉइड। ओबेसिटी इज़ ए मेजर रीज़न फॉर दिस। ओबेसिटी, आप कैसे अपना वेट कंट्रोल करते हैं? Regular exercise. See, walking 3 kilometers in 30 minutes is one of the best exercise. आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। Next is, जैसे आप अगर जैसे मैंने exercise के बारे में आपको बोला कि चाहे आप, ये ज़रूरी नहीं है कि सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए जाना, daily exercise you can do. Dietary food habits are very important. Avoid junk food, avoid coke. और दूसरी चीज़ याद रखिए, जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं खाने में, जैसे नमक है, शुगर है, वाइट शुगर इज़ बैड।
डॉक्टर मनीष, जैसे घर पर लोग तरह तरह की चीज़ें अपनाते हैं बीपी को पहचानने के लिए, साथ ही आजकल बहुत सी चीज़ें ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, कितने सेफ हैं वो बीपी के इक्विपमेंट्स और क्या घर पर इन्हें खुद से करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है, बट आप ये देखिए कि एक पेशेंट के लिए अगर उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है तो ही विल नॉट बी एज स्किल्ड जैसे एक डॉक्टर की तरह, वो मर्क्यूरी मैनोमीटर और एनेरॉयड मैनोमीटर यूज़ करके बीपी नहीं नाप सकता, बिकॉज वो साइंटिफिक इवेलुएशन जो होता है, हम लोग करोटकॉफ साउंड्स जब अपियर होते हैं और डिसअपियर होते हैं तब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये आम आदमी तो नहीं कर सकता, ही कैनॉट बी स्किल्ड इन दैट। तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या है कि एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कराएं या होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करें। तो होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इज़ अ गुड मोडालिटी, एंड होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए एक आम आदमी एनेरॉयड और मर्करी मैनोमीटर नहीं यूज़ करेगा, तो डिजिटल मैनोमीटर्स जो डिजिटल ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो जैसे जो आपने बोला ऑनलाइन अवेलेबल हैं, हाँ तो उसको बिल्कुल यूज़ करें। दे आर बेस्ड ऑन एन ऑसिलोमेट्रिक मेथड ऑफ इवेलुएटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग मीन ब्लड प्रेशर। तो एटलीस्ट एक डॉक्टर को अगर वो सीरीज ऑफ रीडिंग्स लेगा रोज, तो एक डॉक्टर को ट्रेंड पता चल जाएगा कि इसका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, कंट्रोल में है विद दवाइयाँ या इट नीड्स दवाइयाँ नीड्स एस्केलेशन। इफ़ अ पेशेंट अपने घर पे अपना वो ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, ऑसिलोमेट्रिक मेथड के साथ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अपना ब्लड प्रेशर नापता है, तो एटलीस्ट ही विल बी मोटिवेटेड टू टेक केयर ऑफ हिज ब्लड प्रेशर, टू फॉलो लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर। अगर वो देखेगा रोज बीपी देखेगा और देखेगा कि मेरा ब्लड प्रेशर इंप्रूव हो रहा है, तो ही विल बी मोर मोटिवेटेड, ही विल डू लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस, फिजिकल एक्टिविटी करेगा। फिजिकल एक्टिविटी जो प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स हैं वो हैं एटलीस्ट 150 मिनट्स टू 300 मिनट्स इन अ वीक, यानी कि आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते तो देखा गया है कि एटलीस्ट अगर आप थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज करो, एंड द थोड़ा बहुत का लिमिट है एटलीस्ट 150 मिनट्स, तो अगर आप रोज उसको नहीं कर सकते, अगर आप सैटरडे संडे ऑफ है और सैटरडे को आपने 75 मिनट कर लिया और संडे को 75 मिनट एक्सरसाइज कर लिया, तो मिनिमम 150 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी कर ली, तो यू विल बी इन अ बेटर शेप। सो आइडियली तो रोज होना चाहिए एक्सरसाइज 30 टू 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक, बट अगर आपके पास बहुत आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ है, यू डोंट हैव टाइम, यू आर गोइंग अर्ली मॉर्निंग और यू हैव लेट वर्किंग आवर्स, तो आप ऐसे एटलीस्ट सैटरडे संडे को आप अगर 75 मिनट कर लेते हैं टू एंश्योर कि मुझे एक हफ्ते में मैंने 150 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी कर ली है, तो वो विल बी मच मोर बेनिफिशियल देन नॉट एक्सरसाइजिंग एट ऑल। और ब्लड प्रेशर नापने के जो घर पे आपने पूछा, कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर नापने से पहले आधा घंटा पहले तक कोई स्मोकिंग नहीं की भी होनी चाहिए, आपका कोई टी या कॉफ़ी नहीं पी भी होनी चाहिए आधे घंटे पहले, और ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। जब पेशेंट को बिठाते हो घर पे बीपी लेने के लिए, तो ही शुड सिट कम्फर्टेबली ऑन अ चेयर, दोनों पैर शुड बी अनक्रॉस्ड, तो बिल्कुल पैर खुले हुए होने चाहिए, बोथ फीट ऑन द ग्राउंड अनक्रॉस्ड, हाथ द हैंड जिस पे बीपी ले रहे हो उसको रेस्ट, उसको टेबल पे रखा हुआ होना चाहिए, ताकि जब बीपी कफ लगाओगे तो ब्लड प्रेशर कफ शुड बी एट द लेवल ऑफ द मिड स्टर्नम, तो आपका एक्यूरेट ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग होगा, मोर एक्यूरेट, क्योंकि ये वैसे भी ऑसिलोमेट्रिक मेथड मीन एवरेज ब्लड प्रेशर लेता है, तो इन स्टेप्स का ध्यान रखना है। जो कफ लगाओगे वो इंश्योर करना है कि 1.5 सेंटीमीटर अबव द क्रीज, एल्बो क्रीज होना चाहिए, ताकि द टॉप एंड ऑफ द कफ कम्स एट द लेवल ऑफ द मिड स्टर्नम और द बीपी इंस्ट्रूमेंट कम्स एट द लेवल ऑफ द हार्ट, सो दैट आपकी रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो ये स्टेप्स उठाएंगे। और दूसरा, जब भी आप ये होम ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे तो दो या तीन रीडिंग्स लीजिए। और एक दिन में किसी बीपी पेशेंट को कितनी बार करना चाहिए? एग्जैक्टली, सो ये नहीं करना है कि हम हर 4 घंटे में या हर 6 घंटे में बीपी ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप पूरे टाइम इस थॉट से ऑब्सेस्ड हो कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन सिक्रेशन होके बढ़ जाता है। सो यू जब हम बोलते हैं पेशेंट्स को कि घर पे ब्लड प्रेशर लेना है, तो उसको हम बोलते हैं कि आप कोई भी टाइम फिक्स कर लीजिए जिस टाइम पे आप बिल्कुल फ्री हों, आपने मॉर्निंग चोर्स कर लिए हों, बाथरूम जा चुके हों, रिलैक्स किए हुए हो, कोई चाय कॉफ़ी नहीं पी भी हो आधे घंटे पहले, रिलैक्स कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, और आके बैठो, बैठते ही बीपी नहीं लेना है, 5 मिनट वेट करना है, एंड एट अ फिक्स टाइम डेली। फिक्स टाइम का मतलब, सपोज आपने सवेरे 8 बजे चूज़ किया, तो 8 का 8 10 हो सकता है, 8 का 8 15 हो सकता है, पर 8 का ये नहीं करो कि अगले दिन आप 9 बजे ब्लड प्रेशर ले रहे हो,
उसके अगले दिन 10:30 बजे ब्लड प्रेशर ले रहे हो, 8 के अराउंड आसपास आप रोज़ ब्लड प्रेशर लेके आओ ताकि डॉक्टर को ट्रेंड पता चल सके कि मेरा ब्लड प्रेशर कैसा है। एंड वी वुड रिकमेंड कि एक टाइम मॉर्निंग ब्लड प्रेशर, एक टाइम इवनिंग ब्लड प्रेशर। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमें घर पर बीपी कितनी बार लेना है, और एग्जैक्टली जो सर ने ये बताया कि किस तरीके से लेना है, ये आई थिंक परफेक्ट है। डॉक्टर कॉल, मेल्स या फीमेल्स किस में सबसे ज़्यादा ये हाई बीपी की समस्या होती है? ये देखिए, एक चीज़ है, इसको डिवाइड कर सकते हैं। मेल्स में ऑन एन एवरेज द इंसिडेंस इज स्लाइटली हायर देन फीमेल्स, वो तो है, लेकिन प्रेगनेंसी एक टाइम ऐसा होता है या चाइल्ड बेयरिंग एज, स्पेशली समटाइम्स दे आर ऑन मेडिकेशंस लाइक कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, ये वो टाइम रहता है जब इनको हाइपरटेंशन होता है, और दिस इज़ अ टाइम व्हेन दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सो अदरवाइज मेनोपॉज के बाद इंसिडेंस बिकम्स ऑलमोस्ट द सेम, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस, बट प्रेगनेंसी का टाइम, चाइल्ड बेयरिंग टाइम और बाकी टाइम ऐसा रहता है जिसमें वो ओरल कंट्रासेप्टिव्स पे रहते हैं, तो वो बीपी को ज़रूर असर करते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइम, जैसे मैंने देखा है कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कुछ दिन पहले एक फीमेल हेड कम, वी वर नॉट फाइंडिंग एनी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन एंड ऑल दैट, एंड देन आई आस्क्ड द हिस्ट्री, तो उसने बोला आई एम टेकिंग दीज पिल्स, सो दैट कैन बी वन ऑफ द कॉजेज फॉर हाइपरटेंशन, सो वी हैव टू बी केयरफुल। डॉक्टर मनीष, जैसे किसी को अगर हाइपरटेंशन की शिकायत आ चुकी है, अब वो मेडिकेशंस पर आ गया है, कोई भी एज हो, वो अबव 50 हो सकती है या बिलो 50 हो सकती है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को लगता है अब तो मेरा बीपी नॉर्मल है, तो क्या वो मेडिकेशंस को वहीं उसे छोड़ देना चाहिए, या अब क्योंकि आपने एक बार शुरू कर दी मेडिकेशंस तो वो लॉन्ग लाइफ होगी? अगर आपका ब्लड प्रेशर है, डायग्नोस हुआ है और आपको दवाइयाँ दी गई हैं जिसको आपका रिस्पॉन्स आया है और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो गया है, एंड इफ़ इट कंटिन्यूज टू बी नॉर्मल, देन देयर इज नो रीज़न यू शुड लीव द मेडिकेशन। बट अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से लोअर साइड पे जाने लगे, लोअर साइड ऑफ द नॉर्मल होने लगे, और आपको फिटीग होने लग जाए, आपको थकावट होने लग जाए, दैट मीन्स कि हमें, दैट इज़ एन इंडिकेशन फॉर अस कि हमें अपना ब्लड प्रेशर मेडिकेशन तब रिड्यूस करना है। सपोज़ वो कोई दवाई चल रहा है, सपोज़ कोई 40 mg की कोई दवा चल रही है, कोई एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर चल रहा है, और उस पर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो गया, तो आप, वी टेंड टू कंटिन्यू दैट, बिकॉज अगर आप उस स्टेज पर डिसकंटिन्यू करते हैं तो रिबाउंड हाइपरटेंशन आएगा 2 या 3 महीने में, जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ावा मिलेगा, फिर डॉक्टर अगेन हैज़ टू डू द होल थिंग, पूरी मेहनत करनी पड़ती है दोबारा उसको रीसेटल डाउन टू नॉर्मल। सो यू शुड कंटिन्यू विद द मेडिकेशन, और साथ में लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ याद रखिए कि ब्लड प्रेशर मुख्यतः 2 वजह से लोगों को होता है, एक तो इंक्रीज इन कैलोरी इनटेक, एक्सेसिव कैलोरी इनटेक, जिससे आपका वज़न बढ़ता है, ओबेसिटी होती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और दूसरा सॉल्ट इनटेक, जो कि डॉक्टर अजय अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे। तो अगर सॉल्ट इनटेक आपका ज़्यादा है, रिकमेंडेड इनटेक अकॉर्डिंग टू WHO इज़ लेस देन 5 grams, हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि 2400 mg से कम हो, बट अगर इंडियन हाउस होल्ड्स में ज़्यादातर सॉल्ट इनटेक इज़ अराउंड 10 grams, विच इज़ मच मोर देन वॉट वी रिकमेंड ऑफ 2400 mg, हम 2400 mg रिकमेंड करते हैं और टोटल 10 grams इनटेक हो रहा है। वाई? बिकॉज इंडियन फूड में हम बहुत शौकीन हैं कि दाल चावल भी खा रहे हैं तो अचार लेंगे साथ में, पापड़ लेंगे साथ में, तो पापड़ अचार चटनी इन सब में एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा सॉल्ट होता है कि हमारा सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ब्लड प्रेशर पेशेंट्स में एक ग्रुप है जिसको एक कहते हैं सॉल्ट डिपेंडेंट हाइपरटेंसिव, यानी कि अगर उनका सॉल्ट बढ़ गया तो उनका बीपी शूट अप हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा एक फिनोटाइप है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में, व्हिच इज नोन एज सॉल्ट डिपेंडेंट हाइपरटेंसिव। तो जैसे किसी ने अगर एक दिन में ये सारी चीज़ें खाई है क्योंकि वो बाहर है, अब वो कैसे बैलेंस करे उस चीज़ को? By not taking it, of course. वो तो over a period of time आपको नहीं लेना है। अगर आपको over a period, coming back to answer your question कि उस व्यक्ति को क्या करना है जिसका blood pressure normal हो गया है, तो he has to continue these lifestyle interventions, और वो जो मैंने अभी describe किया, और अगर वो lifestyle interventions ये continue करेगा और उसका blood pressure lower side of normal होने लग जाएगा, तो हम dose को आधा कर देंगे। Dose को आधा करने के बाद भी अगर lower side of normal रहेगा, तब हम उसको हटा के देखना पसंद करेंगे।
बट लेट द डॉक्टर डू इट. तो ऐसा नहीं है कि एक बार ब्लड प्रेशर की गोली शुरू हो गई तो इट्स अ परमानेंट परमानेंट एंटिटी इन योर लाइफ. ऐसा नहीं है. इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड, इफ़ यू डू लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन प्रॉपरली एज आई जस्ट मैंशनड, एंड योर ब्लड प्रेशर कैन कम डाउन टू नॉर्मल. एंड इन इंस्टांसिस वी हैव टेकन अवे पेशेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस. बट वो परसेंटेज बहुत कम है. ज़्यादातर लोगों को कंटिन्यू करना पड़ता है ब्लड प्रेशर, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट सो डिसिप्लिन्ड एंड नॉट सो फोकस्ड कि मुझे ये हटाना ही हटाना है. सो दैट इज़ हाउ वी गो अबाउट. तीन साइलेंट किलर्स होती हैं ऐसे जो ट्रीटेबल हैं, लेकिन क्या हाई बीपी और भी बीमारियों का कारण बन सकती है? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि ये तीनों चीज़ें हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड ये इन इट्सेल्फ आर नॉट अ मेजर प्रॉब्लम. अगर किसी को हाइपरटेंशन है उसका जो साइड इफेक्ट्स रहते हैं वो बड़े डेंजरस होते हैं. पहला, ब्रेन स्ट्रोक्स जो लोगों को होते हैं, सडन इंट्राक्रेनियल हेमरेज होता है. आप देखेंगे कि जब भी हाइपरटेंशन का एक पेशेंट आता है उसका सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है उसको सिर में थ्रॉबिंग हेडेक होता है, एक अजीब सा सिर में दर्द होता रहता है. यही ब्लड प्रेशर 200 के क्रॉस कर जाता है तो चांसेस आर कि उसको ब्रेन हैमरेज हो सकता है. दूसरा, हाइपरटेंशन हार्ट डिजीज़ का एक मेजर कारण है. तीसरा, किडनी. ये एक विशेष साइकिल है. हाइपरटेंशन से किडनी ख़राब होती है और किडनी ख़राब होने से हाइपरटेंशन और बढ़ जाता है. सो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमको ये समझना है कि मेजर तीन प्रॉब्लम्स, ब्रेन का स्ट्रोक, हार्ट का और किडनी का, is all related to hypertension. So hypertension is not only a disease in itself, it ruins the whole body. So ek cheez samajh lijiye ki blood pressure in any form is bad. So chahe aapko agar 120/80 nahi hai, of course there are certain conditions in which we keep slightly on the higher side, wo ek alag discussion hai, lekin blood pressure agar kisi ko hai usko ek to use preventive measures lena chahiye and take it very seriously because it can cause problems. बिल्कुल डॉक्टर मनीष, हम मेजर्स की बात कर रहे हैं, मेडिकेशंस की बात कर रहे हैं. जो नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग होता है, बुखार हुआ, बुखार की दवा खा ली, पेन हो रहा है, पेन किलर्स ले ली, तो क्या कभी ऐसी दवाइयाँ या कोई भी दूसरी दवाइयाँ भी हाई बीपी का कारण बन सकती है? हाँ, कुछ दवाइयाँ हैं जो जिनका कंजम्पशन, जिनकी सेवन से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. अक्सर आजकल ट्रांसप्लांट पेशेंट्स बहुत हो रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट. ऐसे पेशेंट्स अगर साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस लेते हैं, कुछ दवाइयाँ लेते हैं, तो उससे पाया गया है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. देन अगर आपको नेज़ल स्टफिनेस है और आपको नेज़ल डिकंजेस्टेंट्स दिए हुए हैं, तो उसमें भी जो सब्सटेंसेस होते हैं दैट हैज़ बीन नोन टू इंक्रीज. देन देर आर सम एंटी साइकोटिक मेडिकेशन जैसे ओलांजेपिन वगैरह, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. आप अगर देर इज़ अ लॉट ऑफ इलिसिट ड्रग यूज़ इन सम स्टेट्स, जैसे कि अगर कोकेन वगैरह का कुछ ले रहे हैं, तो ऐसे देर इज़ अ सम सेट ऑफ मेडिकेशंस जो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं. तो अगर आप ऐसे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स या मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ले रहे हो और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर. वो आपको एक दूसरा क्लास ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स दे देगा, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिससे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा. तो द डॉक्टर कैन ऑलवेज चेंज द क्लास ऑफ मेडिकेशंस ही इज गिविंग टू यू फॉर दैट पर्टिकुलर कंडीशन, अगर वो पर्टिकुलर दवाई ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है. तो मुझे लगता है कि हाई बीपी, हाइपरटेंशन क्या होता है, किन कारणों से होता है, उसे कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये हमने इस पर बात की. अब हम हमारे शो को एंड की तरफ ले जा रहे हैं, तो दर्शकों को आप थोड़े से टिप्स एंड प्रिकॉशंस और फैक्टर्स ये सब बता दीजिए कि अपने हाई बीपी को आप कैसे मेंटेन करें या उस चीज़ को कैसे ध्यान में रखें. देखिए, जैसे मैं इस पूरे प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप हाइपरटेंशन की तरफ ध्यान दें और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, तो मैं ये बता रहा हूँ कि एटलीस्ट बाय 10-15 आप ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, पहली चीज़. दूसरा चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये दिमाग में मत रखिए कि आपका बीपी नॉर्मल हो गया दवाइयों पे तो आप नॉर्मल हो गए और दवाई बंद कर देंगे. ये सबसे बड़ी डेंजरस चीज़ है. ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाइए और उसको बोलिए कि मेरा बीपी अब नॉर्मल है, मुझे क्या करना है, खुद दवाई बंद मत कीजिए. तीसरा चीज़, वी हैव अ वेरी बैड हैबिट. देखिए, पूरी दुनिया में मैं जाता हूँ, कहीं भी आपको मेडिसिन अक्रॉस द काउंटर नहीं मिलता है. मैं तो हैरान होता हूँ, मैं बड़ी बड़ी फार्मेसी में जाता हूँ, सर मेरे को फीवर चढ़ गया है, मेरे को ये चढ़ गया है, एंड दे गिव द मेडिसिन
ऐसे ही हाइपरटेंशन की मेडिसिन नेवर बाय इट फ्रॉम अ फार्मासिस्ट, ऑलवेज गो टू अ डॉक्टर, लेट हिम प्रेस्क्राइब, लेट हिम चेक यू, क्योंकि ये जो अक्रॉस द काउंटर हम दवाइयाँ लेते हैं ये बहुत ही गलत चीज़ है। और लास्ट ये मत समझिए कि अगर आप जिम चले जाते हैं और ज़बरदस्त एक्सरसाइज करते हैं तो आप बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे, ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है। कभी भी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, जैसे मैं बता रहा था आपको, आप सिर्फ 3 किलोमीटर 30 मिनट्स 40 मिनट्स में चलिए, इससे अच्छा जिम या इससे अच्छी एक्सरसाइज दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, अगर आप अननेचुरल एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ हैं या कुछ हैं, वो आप जिम जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले प्लीज़ गेट योर सेल्फ चेक बाय डॉक्टर, बिकॉज ये जो स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस हैं, हमने देखा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एक चीज़ होती है जिसमें पेशेंट कैन सडनली डाई, इसीलिए होता है शादी में एक्साइटमेंट में वो डांस करते रहते हैं और फिर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। दैट्स बिकॉज बिफोर एनी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, क्योंकि लोगों के दिमाग में रहता है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, आपको एक्सरसाइज करना है। डॉक्टर्स डोंट मीन गो टू जिम एंड स्टार्ट लिफ्टिंग हैवी वेट्स, दैट्स नॉट एक्सरसाइज। नेवर टेक प्रोटीन पाउडर्स, दीज आर डेंजरस। सो यू नो, जब भी आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं और एक्सरसाइज की बात डॉक्टर करते हैं, लोगों के दिमाग में आता है जिम में जाके कसरत करना है, विच इज़ रॉन्ग। सो दिस इज माई टेक ऑन दिस। देखा जाए तो हाइपरटेंशन के लिए काफी हद तक अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, टोबैको, अल्कोहल कंजम्पशन और मोटापा, ये सारी वजहें जिम्मेदार हैं जिनसे आसानी से बचा जा सकता है। वो कहते हैं ना कि हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी दौलत है, ऐसे में अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाकर इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो मैं दोनों डॉक्टर्स का हमारे इस खास कार्यक्रम NBT स्वास्थ्य चर्चा पर जुड़ने के लिए और इतने आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को ये जरूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, फिर होगी मुलाकात हेल्थ से जुड़े एक नए टॉपिक के साथ NBT स्वास्थ्य चर्चा पर। धन्यवाद।